क्या गुजरती है उस परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आती है? क्या होता है जब एक भाई की इज्जत पर बदनामी के दाग लगते हैं? हिला देने वाली कहानी जिला मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जहां भाई ने बहन के खून से हाथ रंगने के बाद खुद को थाने में सरेंडर किया, वो भी खून से सनी चाकू के साथ, और कहा कि हां मैंने खून कर दिया है। कमिल, क्या किया आपने? अभी बहन का मर्डर किया। क्यों किया? छह शादी करा रखी थी। सुनिए तुम, जरा सब सोच लिया। कत्ल कैसे किया था तुम? खंजर से किया। फिर कहाँ पहुंचे? चौकी। क्या कहा जाने चौकी? चौकी में जाकर कहा सर बंदा फोन कर दे अपनी बहन का। तुम अपने आपने अपनी बहन को मार दिया है, अफसोस नहीं है? नहीं, इज्जत है, इज्जत बचानी। छह शादी कर दी है, कर रही है, क्या करते हैं? बिल्कुल बेबाक, बेधड़क, बेखौफ अंदाज की एक बालिया गुनाह कबूल करता ये शख्स कामिल, जो थाने के भीतर मौजूद है, जिसने अपने ही हाथों अपनी बहन संजीदा का वजूद मिटा दिया, जिसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं, अल्फाज दर अल्फाज मानो बदले से भरा है, गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ, आक्रोश में निकलते हर एक लफ्ज नफरत से भरे हैं, जो कामिल बार बार बोल रहा है, उसे कोई पछतावा नहीं, इज्जत थी, इज्जत बचा ली। मंजर देख यकीन मानिए आप भी सिहर उठेंगे, क्योंकि जिस तरह से कामिल ने अपनी बहन का खून किया, वैसी मौत तो दुश्मन भी अपने दुश्मन को नहीं देता, लेकिन ये खूनी खेल एक भाई ने खेला जो सालों से उस नफरत में जल रहा था, जिसकी प्रतिष्ठा पर आंच आई थी, खानदान की इज्जत आबरू बदनाम हो रही थी, हर जगह उठना बैठना दुश्वारियों से भरा था, हर किसी ने मुंह मोड़ रखा था, लेकिन इसकी परवाह ना तो संजीदा को थी, ना ही उसने अपनी लांगती मर्यादा के अंजाम की परवाह की। वो जिस रास्ते पर निकल पड़ी वहां उसकी हरकतों की वजह से उसके मायके वालों की दुनिया बर्बाद हो चुकी है, और ये संगीन इल्जाम हमारे नहीं बल्कि कामिल थाने में खड़ा होकर अपनी जुबानी बयां कर रहा है कि उसकी बहन चरित्रहीन थी। सौ करने का तो क्या 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 तुमने आज उसका मर्डर कराया? पूरी बात कहो, कब तुम उसके पास गए, किस टाइम उसके घर गए थे? टाइम याद नहीं सर। कैसे पहुंचे उसके घर? जी कैसे पहुंचे? मैं गया, उसका कुंडा खुलवाया, अपने अंदर गया, खंजर से खून कर दिया। किस हत्या की तुमने? जी हत्या किस चीज से की है? खंजर से। कोई अफसोस नहीं है? नो, कोई अफसोस नहीं। क्यों अफसोस नहीं? इज्जत की खातिर? इज्जत के लिए। क्या किस तरह के लिए? कल को हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई थी, मोहल्ले में हम सर उठाने लायक नहीं रहे थे, रिश्तेदारी में हम कहीं नहीं जाने लायक रहे थे, हमने अपनी ईद तलक नहीं मनाई है। जिंदगी नर्क से भी बदतर बन चुकी थी, कामिल के सोचने और समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी, कामिल के बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि खानदान की खोती प्रतिष्ठा वो कैसे बचाए। वो जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ा था जहाँ एक तरफ भाई बहन का रिश्ता था तो दूसरी तरफ बदनामी का वो किनारा जिस गली से गुजरते वक्त उसकी निगाहें छुप जाया करती थी। वो सिर उठाकर चलने के काबिल नहीं था, इस बेबसी की वजह थी उसकी अपनी बहन संजीदा, जिसे ना तो अपनी इज्जत की परवाह रही, ना ही अपने माँ बाप भाई बहन की इज्जत की फिक्र, वो तो बस मर्यादा लांग अपनी मौज मस्ती के लिए गैरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, जिसके लिए कामिल के दिल में कोई जगह नहीं थी और ना ही माफी की कोई गुंजाइश, था तो सिर्फ बदला बदला और बदला, जिसे पूरा करने के लिए कामिल ने अपनी बहन की चौखट लांघी, रात के पहर दरवाजे पर दस्तक दी और संजीदा को बेडरूम में ले जाकर उसके जिस्म पर ताबड़तोड़ वार करता रहा, जब तक उसकी रगों में दौड़ता लहू का कतरा कतरा नहीं बह गया। कोई पछतावा नहीं है सर। क्यों पछतावा नहीं है? क्यों नहीं है, कम से कम इज्जत तो बचगी, जो होगा मेरे साथ वो देखा जाएगा। और कितने भाई बहन तुम्हारे? चार, तीन बहन है और एक भाई है। क्या नाम था जी जाने तुमने हत्या की उसका? संजीदा। कितनी उम्र थी उसकी? होगी लगभग 38-40 साल के करीब। तो क्या अलग रहती थी वो परिवार? अलग रहती थी। कब से? लगभग 4-5 साल से।
में कोई पछतावा नहीं है? नो, कोई पछतावा नहीं है। नई मंडी कोतवाली के सुभाष नगर की रहने वाली 40 साल की संजीदा की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। उसके परिवार ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कभी बेटी का बुरा नहीं चाहा। हर बार वो अपनी संजीदा की जिंदगी संवारने की कोशिश करते रहे। एक शादी या दो शादी नहीं, तकरीबन 6 बार परिवार ने संजीदा की बिगड़ी जिंदगी बनाई। लेकिन संजीदा कहाँ बाज आने वाली थी, वो तो हर बार अपने शौक और मस्ती के लिए रिश्तों की बलि चढ़ाती रही। लेकिन इस सबसे अगर कोई ज्यादा प्रभावित था तो वो था कामिल का परिवार के भाई, उसकी बाकी की अविवाहित बहनें, जिनके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, ना ही समाज में उनके लिए कोई इज्जत रह गई। क्या हुआ जाते हैं? वो बस आपसी को गृह कलेश हो गई और उनके बड़े भाई ने अपनी बहन को मारी और सिविल लाइन थाने में जाकर सिलेंडर कर दिया। भाई ये जो महिला थी अकेली रहती थी या कोई और के साथ? नहीं, फिर फैमिली रहती थी घर में। पति भी था साथ में? पति फिलहाल जब तो मौके वारदात पे तो होगा नहीं, भाई था अकेला, उसने मारी होगी और वो फिर जाके पुलिस वालों के पास ना सरेंडर कर दिया उसने। कामिल का परिवार बदनाम हो चुका था, जिनकी कोई गलती नहीं थी। इलाके में हर कोई कामिल की बहन को लेकर पंक्तियां कसता था। चौराहे और नुक्कड़ पर लोग कामिल को देखते मुंह फेर लेते थे। इन सब से परेशान कामिल एक ही बात सोचने पर विवश था कि फसाद की जड़ को वो मिटा दे। फिर क्या था, बेमरव्वत कामिल ने बहन की हत्या की योजना बनाई, उसके घर में घुसकर उसे बेरहमी से चाकू गोद कर मार डाला। अपना गुनाह कबूल करते हुए खून से सने अलाए कत्ल के साथ थाने की दहलीज पर पहुंचा कि हाँ, मैंने अपनी बहन का खून किया है। ये 9 बजे के आसपास की सुभाष नगर नई मंडी थाना क्षेत्र की घटना है। उसमें एक भाई ने अपनी बहन को चाकू घोंप कर मार डाला है। आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुका है। उसका कहना है कि उसके चरित्र पर संदेह था, जिसके कारण उसने उसकी हत्या कर दी। पता लगा सर जो भाई है वो मार के सीधा थाने पहुंचा? जी बिल्कुल, वो उसको मार के सीधा थाने पहुंचा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या बरामद हुआ चाकू? उसके पास एक चाकू बरामद हुआ है। कामिल का इकबालिया गुनाह और उसके खून से सने हाथ देख पुलिस वालों के होश फाख्ता थे, जिन्होंने कामिल को फौरन अरेस्ट किया। फिर उसकी निशानदेही पर उस स्थान पर पहुंचे जहां उसने अपनी बहन को बेरहमी से गोद कर मारा था, और जब पुलिस वालों ने देखा तो उसके भी पसीने छूटने लगे। कामिल ने जो किया वो कानून की नजर में गुनाह, लेकिन इस खूनी मनोस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन, कामिल की बहन या फिर वो लोग जिन्होंने कामिल से मुंह मोड़ लिया था? वेश कुमार, मुजफ्फरनगर समाचार। भाई भाई के बीच नफरती दीवार खड़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह थी बड़े भाई की पत्नी, जिसका देवर दीवाना था। लेकिन इस रिश्ते से घर वालों को कोई ऐतराज नहीं था, मगर गुस्से में बड़ा भाई जल रहा था, जिसकी फरार पत्नी 2 साल बाद जब वापस आई तो फिर वो सब हुआ जिसे देख जमाना सन्न रह गया। काश पंचायत हो गई होती, काश दो भाइयों के बीच विवाद का हल निकल गया होता, तो आज ये जमाना इस परिवार के गम में शरीक न हुआ होता। ये परिवार दर्द के अश्क बहाने पर मजबूर न होता, लेकिन किसी ने उस विवाद की फिक्र नहीं की, बस अपनी सोचते रहे। लेकिन उस दिल के भीतर जो चल रहा था, उस तूफान की खामोशी किसी ने महसूस नहीं की। और फिर जो हुआ वहां जमाना हैरान रह गया। सफेद चादर से लिपटी लाश उसी विवाद का नतीजा है, जिसका समाधान किसी ने नहीं सोचा, और आज उस विवाद की भरपाई आदेश को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी, क्योंकि आदेश के फैसले से उसका सगा भाई तिल तिल कर जलने पर मजबूर था। जिस महिला से बड़े भाई से आदेश की शादी हुई, वहां 2 साल पहले आदेश के ही संबंध बने। भाई की इस नाफरमानी से आदेश का जीना दुश्वार था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे अपने भाई को समझाए। बात पंचायत में रखी गई कि आदेश की पत्नी किसके साथ खुश रहेगी, लेकिन यहाँ भी घर वालों की मर्जी चलती थी, जिसके विरोध में आदेश कुछ न कर सका। नतीजा, एक दिन चुपके से देवर भाभी घर से भाग। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि 2 साल पहले उठाए गए कदमों तले चंद नफरत के जलते अंगारे आग की शक में तब्दील होंगे। आदेश को ना तो संभलने का मौका मिला, ना ही समझने का। रात के अंधेरे में बड़े भाई आदेश ने आदेश के शरीर और चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार की और खून करने के बाद फरार हो गए।
रात में सारे तो सो गए थे, असीं जाग रोज ही जागते थे, रात को नहीं जागते थे, आज नींद आ गई थी सो गए थे, जब पूरा मारा आया तब मेरी आँख खुल गई तो मैं रो के भाग गई। अच्छा, किसने मारा पूरा? भाई ने मारा है, ना कि भाई ने मारा है। आपके भाई ने, क्या नाम उसका? सादेश। अच्छा, क्यों मारा? वो ऐसे ही मारा है, पता नहीं कहीं सुने ना पाई हो, गाँव वाले ने कि मार दिया, पूरा कत्ल कर दिया। मैनपुरी के थाना करहल के गांव नगला में सादेश ने रात के वक्त आदेश पर हमला किया। जब वो नींद की आगोश में समाया था, सादेश को इस बात का अंदाजा था कि उसके साथ ही उसकी पत्नी भी होगी, लेकिन खुशकिस्मती कही कि कमरे में पहुंचने के बाद सादेश ने सिर्फ अपने भाई पर हमला किया, जिसके शरीर से बाहर लहू पत्नी तक पहुँचा तो उसकी तरावट से उसकी नींद टूट गई और सामने पूर्व पति दिखा, जिसे बिना तलाक दिए पत्नी ने उसके भाई को अपनाया था, लेकिन बिना कोई सवाल जवाब दिए कातिल सादेश अपनी पत्नी को यह एहसास दिलाकर चलता बना कि वो भाई की जिंदगी छीन सकता है तो उस बेगैरत बीवी की भी हत्या कर सकता था, जिसकी वजह से एक जिंदगी वीरान हो गई। लेकिन भाई की हत्या करने के बाद सादेश पावड़े को छोड़ फरार हो गया। ये इनकी बीवी का लफड़ा है, ये बड़े भाई लड़के बीवी थी और छोटा वाला यही रखता था, घर वालों की उसकी मर्जी थी, उसकी मर्जी नहीं थी, लोगों से भी कहा पंचायत कर दो, लोगों ने कोई पंचायत रिकू कर दो, माँ बाप ही नहीं करते ही। फिर वो लेके भाग गया, दो वर्ष पहले रहा लगभग, उसके बाद रह गया तो झंझट पानी हुआ तो फूकनी वूकनी उसकी मार दी, बड़े वाले जिसकी बीवी थी उसके, तो भागा रहा तो जाना ये मार सकते, फिर ये फिर भाग गया दो वर्ष के लिए। अभी दो वर्ष के बाद आया था, 10वां दिन 11वां दिन। पत्नी ने पति सादेश का खूनी चेहरा देखा और चीख पुकार मचाती घर से बाहर निकली। जिस देवर के साथ उसने जिंदगी जीने का ख्वाब देखा था, वहाँ खुद की बर्बाद हुई जिंदगी को लेकर सादेश ने अपने पत्नी को अपना खूनी चेहरा दिखाया कि वो भी जान ले कि रिश्तों से बढ़कर कोई नहीं। सगे भाई के इस अमर्यादित फैसले से बड़ा अपमान कोई नहीं था, जिसके बदले में हर दिन सादेश जी रहा था। लेकिन उसका मकसद 2 साल बाद पूरा हुआ, जो देवर के साथ 2 साल से फरार थी, लेकिन लौट कर आई तो उसकी आंखों के सामने सादेश ने अपने भाई के खून से हाथ रंग लिए, उसे बेरहमी से काट कर मौत के घाट उतार दिए। बड़े वाले की औरत को सही है, कब्जा में करें अब तो आज उन्होंने 5-6 साल रहते गए इसने, उन्होंने घंटा लुड़ा था। फिर बहू कैसे नहीं है भाई, बहू तो अब खाँगे क्या, खानी बने बना हुआ खेलने में तो भाई कब्जा में चल रही थी चाचा साहब, तो उसको लेकर के क्या कुछ आगे पीछे रहता था, बड़ा वाला कर रहे थे, और छोटा वाला सिले के चला गया था पंजाब, रहो 2-3 साल 2.5 साल बाद आओ। फिर क्या बात बनी? 2.5 साल बाद आओ, 8 दिन बाद, 12 दिन तक आए भाई, 12 दिन बाद। तो आज रात को ही कैसी क्या घटना हो गई अचानक? रात को ही ऐसे हुआ भाई, सो रहा था सोते समय। सादेश को ये बात बार बार परेशान कर रही थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने वाला अपना ही सगा भाई है, जिसके किए की सजा उसे नहीं मिली। पत्नी आंखों से ओझल थी और सगा भाई उसके साथ नाजायज संबंध बनाता था। हर पल सादेश इसी मकसद के साथ सांसें ले रहा था कि वो तारीख कब आएगी जब वो अपना इंतकाम ले सकेगा, और जैसे ही वो घड़ी आई सादेश ने अपने सगे भाई को मौत के घाट उतारा। आज परिवार को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों नहीं पंचायत की बात सुनी, क्यों सादेश से उसकी बीवी को छीन लिया, क्यों आदेश की मर्जी चलने दी। काश परिवार ने इस संबंध पर एतराज जाहिर किया होता तो आज ये दिन देखने न पड़ते। थाना क्षेत्र में आपस परिवार के झगड़ा है, एक भाई सादेश ने उनका छोटे भाई को मार दिया गया, पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में निकल के आ रही है कि ये कोई अवैध संबंध का मामला है। फावड़ा से भाई ने अपने भाई को हत्या करके चला गया, तो अभी मौके से फरार है, पुलिस का टीम गठित कर दी गई है इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए। 2 साल बाद लौटे आदेश को लग रहा था कि उसका बड़ा भाई सादेश सब कुछ भुला चुका होगा, लेकिन वो एक ऐसे मुगालते में जी रहा था जहां आदेश को अपने सामने खड़ा देख सादेश आग बबूला हो उठा। लेकिन उसे सही वक्त की तलाश थी जिस पल वो अपना इंतकाम पूरा कर सके, क्योंकि सादेश का मंसूबा खूनी था, और जैसे ही रात हुई मौका पाकर सादेश ने परिवार की नींद की खुमारी का फायदा उठाकर घर की दहलीज लांघी और जिस कमरे में आदेश सो रहा था वहीं उसका खून बहा दिया। Allah 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 Allah
इस हत्याकांड से हर कोई सन्न है। पुलिस टीम गांव से फरार हुए कातिल भाई की तलाश में जुटी है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार प्लस। जिला अमरोहा ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन अनजान थे अमरोहा पुलिस की मुस्तैदी से जो सामने आए तो अमरोहा की स्वाफ टीम के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। देखिए कैसी मुठभेड़ में दबोचा गया इनामी कुख्यात। हॉस्पिटल के भीतर स्ट्रेचर पर पड़े शख्स की लाचारी पर मत जाएं, क्योंकि ये कोई मामूली शख्स नहीं, पैर में गोली लगी वरना ये यहाँ नहीं होता। पहचान सुनेंगे तो फिर भुला नहीं पाएंगे। जख्मी हालत में पड़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अमरोहा समेत संभल पुलिस के लिए सिरदर्द बना 15,000 का इनामी अपराधी सतपाल सैनी है, जिसे अमरोहा की स्वाट टीम के इंचार्ज उदय प्रताप मलिक ने मुठभेड़ में दबोचा। वरना पुलिस वालों की जान छीनने पर आते कुख्यात सतपाल ने गोलियां दागने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसकी बेबाकी की हवा स्वाट टीम के इंचार्ज उदय प्रताप मलिक के साहस के आगे निकल गई। जरा सुनिए कैसे अमरोहा पुलिस को मिले इनामी अपराधी की खबर। जनपद अमरोहा में जो कांवड़ और बाकी जो अपराध संबंधी चेकिंग के दौरान कल रात आज सुबह हमारे कोतवाली इंस्पेक्टर जो है वो लपड़ा चौराहा पे चेकिंग कर रहे थे। उसी चेकिंग के दौरान कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध वहाँ से निकलते हुए देखे, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो तेज़ गति से आगे की तरफ निकले। इस घटना के बाद जो है कोतवाली इंस्पेक्टर ने पूरे कंट्रोल रूम को पूरे बताया कि इस तरह के बदमाश जो है देखे गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर अमरोहा पुलिस संजीदा थी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सड़क पर चेकिंग अभियान चला रही थी। और तभी अमरोहा की कोतवाली के लकड़ा इलाके में बाइक सवार 3 संदिग्ध युवक नजर आए, जिन्हें देखते ही कोतवाली पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को देखते ही अपना रास्ता बदल लिया। तो भला पुलिस कैसे खामोश होती। कोतवाली पुलिस ने फौरन वायरलेस के जरिए ये सूचना आसपास के थानों की पुलिस को दी, लेकिन जब स्वाट टीम की एंट्री हुई तो फरार होने की फिराक में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। लेकिन अब बारी थी बदमाशों को दबोचने गई स्वाट टीम की, जिसकी बागडोर स्वाट टीम के इंचार्ज उदय प्रताप मलिक के कंधों पर थी, जिन्होंने बदमाशों से लोहा लिया, उनकी ही भाषा में जवाबी फायरिंग की, जहां हिस्ट्री शीटर सतपाल मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुआ, लेकिन उसके दोनों अपराधी साथी फरार होने में कामयाब हो गए। ये लोग एक स्कूल की तरफ आड़ लेते हुए अंधेरे की तरफ भागे। इनको ललकारते हुए जो हमारी टीम है उसने आत्मसमर्पण के लिए रुकने के लिए बोला, तो इन्होंने ताबड़तोड़ जो है फायरिंग शुरू कर दी। और इस फायरिंग के दौरान जो है जवाबी कार्रवाई में एक जो इस पे मोटरसाइकिल सवार था उसको गोली लगी है। 2 जो बदमाश थे वो अंधेरे का लाभ उठा के भाग गए हैं। ये जो बदमाश जिसको गोली लगी है और ये इसका नाम सतपाल है और ये जनपद अमरोहा का एक हिस्ट्री शीटर है, जिसपे करीब 50 के करीब मुकदमे दर्ज है। अभी ये 15,000 का एक रिवॉर्डी भी है जो जनपद अमरोहा और संभल में लूट की घटनाओं में वांछित भी था। सीएम योगी के सख्ती का असर साफ देखा जा सकता है। एक के बाद एक हर जिले में किसी न किसी तस्वीर में हर उस अपराधी को पुलिस वालों के सामने मुंह की खानी पड़ रही है जो वारदात करने की फिराक में है। लेकिन वो भी जान ले कि पुलिस अब पीछे रहने वाली नहीं, अब अपराधियों से डटकर मुकाबला होगा, क्योंकि वो अपराध छोड़ दें नहीं तो सुबह, वरना 2 रास्ते पुलिस वाले तय करेंगे और बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मोहम्मद फहद, अमरोहा, समाचार प्लस। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी के सीएम की सख्ती का असर दिखने लगा है, क्योंकि बरेली पुलिस ने सिरदर्द बने उस शातिर गिरोह को बेनकाब कर दिया जो सड़क पर अपराध ही नहीं करते थे बल्कि घर में घुसकर दिन दहाड़े डालते थे डकैती। आप भी मिल लीजिए उन डकैतों से। तस्वीरें गौर से देखें, जो सीसीटीवी की, जो ताजा तस्वीरें नहीं तकरीबन 1 साल पुरानी, लेकिन दिमाग पर थोड़ा जोर दें, यादें ताजा हो जाएंगी, क्योंकि जिस बरेली के सर्राफा कारोबारी के घर में डकैती हुई थी वहां शाम होते ही बेखौफ अपराधियों ने दस्तक दी थी, पूरे परिवार को बंधक बनाया था और भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर समेत नकदी उड़ा ले गए थे। तकरीबन 40 लाख का माल मत्ता ले उड़े थे, लेकिन इन शातिर अपराधियों की अब जाकर गिरफ्तारी हुई।
पुलिस की गिरफ्त में नकाब पहने खड़े ये सभी शातिर अपराधी हैं। ये सभी डकैती से पहले रेकी करते थे और उसके बाद अंधेरा होते ही डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने जिन 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनमें से 4 सुनार जो इन डकैतों से लूटा हुआ सामान खरीदते थे। पुलिस ने इनके पास 10.5 लाख का सोना और सोने के जेवरात, 1,20,000 की 3 किलो चांदी, 3 तमंचे समेत 4 कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बुलेरो गाड़ी बरामद की। इनका मोडस ऑपरेंडी डकैती का ही रहता था, घर में करने का। ये एक ऐसा गैंग है जो किसी के घर में दिन दहाड़े, शाम को 8 बजे घटना है जनपद बरेली वाली, और निगासन में भी जो घटना हुई है वो घर पे घटना हुई है। घर के अंदर घुस करके, जिस समय किसी का घर खुला हो उस घर में घुस करके और लोगों को बंधक बना के, सबके पास तमंचे बरामद हुए, 3 लोगों के पास तमंचे भी बरामद हुए हैं। तो ये लोग घर में घुस करके डकैती करते थे, सोने और चांदी के जेवरात चुरा लेते थे और उनको बेच देते थे। ये कोई सड़क पर लूटपाट नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ घर में सीधी डायरेक्ट डकैती डालते थे। और ये बड़ा गैंग है, इन पर हम गैंगस्टर भी कार्रवाई कर रहे हैं और गैंग का पंजीकरण भी कर रहे हैं। बरेली के SSP जोगेंद्र कुमार के निर्देशन में काम कर रही क्राइम ब्रांच और जिला पुलिस ने डकैतों के इस इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जिन 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया उन पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज। पुलिस ने जिन डकैतों को गिरफ्तार किया है उनमें फरहान, जलालुद्दीन उर्फ राजा, अकील उर्फ कल्लू, शाकिर उर्फ भूरा है। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनके गैंग को भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। घर की रेकी करने के उपरांत ही करते थे। घर में इन लोगों को जब पता लग जाता था, किसी न किसी माध्यम से इनको पता लगता था कि इस घर में कुछ सामान हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो बरेली में हुआ वो सराफा है, सराफा के घर डकैती डाली है। और वो है किसी अमर सिंह ढिलो का घर भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट आदमी का घर है, जिसमें उनको पता था कि कुछ माल बरामद होगा। ये लोग कंटिन्यूसली इस तरह की घटना करके गायब हो जाते थे, फिर 5-6 महीने बाद पुनः घटना करते थे। पिछले 1.5 साल में कुछ लोगों ने जो पकड़े गए उसमें दो डकैती तो हमने खोली है, एक डकैती में और जेल गया है। कौन फरकान? सुभाष नगर कैंट से जेल गया हुआ है, सुभाष नगर कैंट से भी जेल गया है। तो इसमें अच्छे क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं और इनकी हम लोग हिस्ट्री शीट भी खोलेंगे। पीड़ित सराफा कारोबारी अब्दुल हसन ने पुलिस को बधाई दी। अब्दुल हसन के घर पर 10 फरवरी 2016 को हुई डकैती, इन्हीं बदमाशों ने डकैती की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। अब्दुल हसन इस खुलासे से खुश तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके घर 40 लाख की डकैती पड़ी थी और पुलिस ने केवल 10 लाख का सामान बरामद किया, महज खाना पूर्ति की है। उन्हें खुशी तो तब होगी जब सभी अपराधियों को बेनकाब करके मीडिया से मुखातिब करवाया जाता, लेकिन पुलिस ने सभी को नकाब पहना दिया। कम से कम जमाना भी तो जानती, नकाब के पीछे नजर आने वाले कैसे दिखते हैं। ये कहना चाहेंगे, खुशी है कि गिरफ्तारी हुई है, मगर पुलिस पूरा माल बरामद करती है, माल बरामद नहीं हुआ है, बस खाना पूरी हुई है और मुझे दिखाया भी नहीं गया, बुलाया गया और नकाब ढक के जो है खुलासा किया गया। इनका नकाब खुल के होती है जिससे कोई देख सकता, पहचान सकता, वो संतुष्टि नहीं हुई जो होना चाहिए मुझे। बरेली पुलिस ने इससे पहले 8 किलो सोने की लूट का भी खुलासा कर चुकी है। एक के बाद एक ये बरेली पुलिस की दूसरी बड़ी कामयाबी, जिसका खुलासा पुलिस कप्तान जोगेंद्र कुमार के निर्देशों का नतीजा है। पुलिस इस खुलासे से चौड़ी, लेकिन पुलिस को राहत की सांस लेने की जरूरत नहीं। अभी कई अधूरे काम बचे, वो शातिर अपराधी बचे जो नासूर की तरह सूबे की कानून व्यवस्था का मखौल उड़ा देते, और जब तक उनकी बेबाकी की हवा नहीं निकल जाती बरेली पुलिस को मुस्तैदी से आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी अपराधी पीछे हटेंगे। नहीं तो हर वारदात के बाद पुलिस के पास सिवाय दावा करने की कोई चारा नहीं बचेगा। अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस।